क्या हुआ जब 17 साल से गहरे कुएं में कैद रही ये लड़की और जब इसे बाहर निकाला गया तो इसके पीछे का रहस्य जानकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की शुरुआत होती है सन 1992 में राजस्थान के जमुरा गांव से, जहां पर ओम प्रकाश नाम का एक व्यापारी अपनी बीवी और अपनी 3 साल की बेटी आयुषी के साथ रहा करता था। बीमारी की वजह से आयुषी की माँ कम उम्र में ही चल बसी। अब आयुषी अकेली हो चुकी थी और उसके पिता ने कुछ ही दिनों में दूसरी शादी कर ली थी, परंतु जो उसकी दूसरी माँ थी वो उसके साथ बहुत गैरों सा व्यवहार करती थी, आयुषी को खाना भी समय पर नहीं देती थी और इसके पीछे उसका मूल उद्देश्य शादी नहीं, केवल और केवल उसके पिता की जमीन जायदाद को हड़पना था। एक बार जब आयुषी के पिता व्यापार के सिलसिले में थोड़ा बाहर गए, उसी समय आयुषी को कमरे में कैद करके उसने अपने प्रेमी को घर बुला लिया और उसी समय संयोग से ओम प्रकाश का वहां पर आना हो गया, जिसने रंगे हाथों दोनों को कमरे में पकड़ लिया। वो औरत बड़ी ही लालची थी, अब उसके मन में ये ख्याल आने लगा था कि अब मुझे यह छोड़ देगा और जो मेरा प्लान था इसकी जमीन जायदाद हड़पने का वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उन दोनों ने मिलकर उसी कमरे में आयुषी के पिता ओम प्रकाश की हत्या कर दी और उनके आंगन में एक कुआं था जो बहुत समय से पैक जाली से बंधा हुआ था, उसी के पास स्थित गार्डन में आयुषी के पिता ओम प्रकाश को दफना दिया। चूंकि गांव के सभी लोग ओम प्रकाश जी के बारे में यही सोचते थे कि वो तो व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं, तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई और किसी को शक भी नहीं गया। और इधर आयुषी की सौतेली माँ ओम प्रकाश की संपत्ति पर राज करने लगी। वो चाहती तो आयुषी को भी मार सकती थी, परंतु उसे पता चला कि आयुषी के पिता उनकी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आयुषी के नाम पहले ही कर चुके थे। अब वो उसे लेकर के कोर्ट पहुंची और यह अपील की कि ये सारी संपत्ति मेरे नाम करना चाहती है, परंतु कोर्ट ने उसे आदेश दिया कि जब तक ये 20 साल की नहीं हो जाती तब तक ये तुम्हें अपनी संपत्ति नहीं दे सकती, और जिस दिन यह 20 साल की हो जाएगी ये अपनी स्वेच्छा से सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर सकती है। अब आयुषी अभी 3 साल की थी और अगले 17 सालों तक उसकी सौतेली माँ को उसका ध्यान रखना था, परंतु फिर भी उसने उसके साथ राक्षसों के समान व्यवहार करा। उसने घर जाने के बाद आयुषी को एक घर के कमरे में बंद कर दिया और रोजाना खाना देने लगी, परंतु वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती, हर समय रोती रहती और उसकी ये आवाज़ें उसे चुभने लगी थी, और उसके रोने की आवाज़ व शोर के कारण वो और उसका प्रेमी ऐयाशी भी नहीं कर पा रहे थे। तो उसने डिसाइड किया कि बाहर आंगन में जो कुआं पैक है मैं उसे उसके अंदर डाल देती हूँ, किसी को कानो कान खबर भी नहीं चलेगी और इसकी मनहूस आवाज़ से हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। उसके बाद आयुषी की सौतेली माँ ने अपने प्रेमी का सहारा लेकर उस कुएं के ऊपर की जालियाँ हटाई, आयुषी को जबरदस्ती उस कुएं के अंदर पहुँचा दिया और इन लोगों ने ऊपर से जालियाँ पैक कर दी। छोटा सा द्वार भी रखा था ताकि ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो सके। अब उसे आयुषी की आवाज़ से छुटकारा तो मिल गया था, परंतु आयुषी जो कष्ट भोग रही थी वो यकीनन चौंकाने वाले थे। उस बच्चे का सब कुछ खत्म हो चुका था। वो 3 साल की बच्ची ये भी समझ नहीं पा रही थी कि ये जमीन जायदाद क्या होता है और आखिर किस कारण मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। उसके मन में केवल यह था कि उसके पिता ने उससे एक बार कहा था, जब भी जीवन में बुरा समय आए तुम केवल महादेव का स्मरण करना, वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। उसने कुएं के अंदर ही रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और रोजाना हाथ जोड़कर उस शिवलिंग से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे महादेव, जल्द ही मुझे सभी झंझट से छुटकारा मिल सके और मैं अपने पिता के हत्यारों को सजा दिला सकूं, बस इतनी सी कृपा कर दीजिए। कुएं में जो छोटा सा द्वार ऊपर से खाली रखा गया था वहाँ से उसकी सौतेली माँ रोज उसे खाने पीने की चीज़ें दिया करती थी, वो भी केवल 2 टाइम सुबह और शाम को। इसके अलावा आयुषी को पूरे दिन कुछ नहीं दिया जाता था। देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था। आयुषी कष्ट सहती सहती कुएं के अंदर ही बड़ी होती जा रही थी और अब 17 साल बीत चुके थे और आयुषी की उम्र 20 वर्ष हो चुकी थी। वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी थी, परिपक्व हो चुकी थी, क्योंकि वो पिछले 17 सालों से
केवल महादेव की भक्ति करती आ रही थी, जिसमें न लालच था न लोभ था और केवल वो भगवान से जुड़ी हुई थी। तो अब जानने वाली बात यह थी कि भगवान उसकी किस तरह से मदद करते हैं। अब जब आयुषी की सौतेली माँ और उसका प्रेमी बड़े ही प्रसन्न होकर कुएं में से 20 वर्ष की आयुषी को निकालने की योजना बना रहे थे और जब उसका प्रेमी आयुषी को लेकर बाहर आया, तब प्रसन्नता में उसकी सौतेली माँ इतनी पागल हो गई कि कब उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में जा गिरी उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। उसने अपने प्रेमी को आवाज़ लगाई और जब उसने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की तो आयुषी ने उसके प्रेमी को भी पीछे से धक्का दे दिया और वो भी कुएं में जा गिरा और आयुषी ने रस्सी ऊपर खींच ली। अब दोनों पापी कुएं के अंदर फंस चुके थे और आयुषी भक्ति की शक्ति से कुएं के बाहर आ गई थी। शायद उसे इसी पल का इंतजार था। बाहर गांव में जाकर उसने कुछ लोगों से मदद मांगी जो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए और जब पुलिस उस जगह पर पहुंची और पुलिस ने आयुषी के मुंह से संपूर्ण सच्चाई जानने के बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सजा हो गई। उस समय बाहर की वो हसीन दुनिया आयुषी के लिए बहुत अजनबी के समान लग रही थी, क्योंकि उसने पिछले 17 सालों में कुएं के अंधेरे में ही अपना जीवन यापन किया था। परंतु जैसे जैसे लोगों ने उसे समझाया और एक एनजीओ ने भी उसे पुनः जिंदगी शुरू करने में बहुत मदद करी। आज उसके पिता की सारी संपत्ति आयुषी के नाम है और उनके हत्यारों को भी सजा मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर के आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी महादेव के भक्त हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।